अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब दोस्तों का? ठीक ठाक है जी। जैसा कि जी वीडियो में आपको कुछ दवाइयाँ नज़र आ रही होंगी, इनको देखते हुए उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि ये हमारी वीडियो डिवर्मिंग के बारे में है। जानवरों की डिवर्मिंग किस तरह करनी है, क्या तरीक़ाकार होना चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कोशिश करूँगा जी इस पूरी वीडियो में आपको डिटेल के साथ मैं बताऊं। ये दो दवाइयाँ क्यों चूज़ की हैं जी? किसी भी किस्म की, किसी भी कंपनी की कोई मशहूरी नहीं करनी है जी आपको। इसमें Alba 10+ हमने ली है, इसमें Albendazole एक दवाई है, आपको किसी और फार्म में मिले आप किसी और फार्म में ले लें, कोई भी ज़रूरत नहीं आपको यही सेम लेने की। ठीक, ये है जी Ivermectin 1%। ठीक है, आपको किसी भी और कंपनी का मिले, सस्ता मिले आप वो लें। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये 590 का 50 ml है। ठीक है जी, ये दो दवाइयाँ हमने ली हैं जी बेसिकली डिवर्मिंग अपने जानवरों की करने के लिए। अच्छा जी, अमूमन लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं, वो कहते हैं जी कि हमने जी बातें मैं इसी तरह करता रहूँगा, साथ साथ कोशिश करूँगा कुछ जानवरों की पिक्चर्स अटैच कर दूँ ताकि चले आपकी बोरियत ना हो आपको। तो बात ये करते हैं जी कि कुछ लोग कहते हैं जी कि मैं जब भी उनसे बात करता हूँ तो वो कहते हैं जी हमने डिवर्मिंग कर ली है। मैं उनसे पूछता हूँ जी डिवर्मिंग आपने कैसे की है, तो वो कहते हैं जी कि हमने डिवर्मिंग की है जी, कोई कहता जी पंच दी है, कोई कहता जी थंडर दी है, कोई कहता जी Alba 10+ दी है जी, कोई कहता है जी, मगर सारे अपना अपना निज़ाम करते हैं। ठीक है जी, हमारा जो डिवर्मिंग करने का तरीक़ाकार है वो ज़रा सा मुख्तलिफ है। ये दोनों जो दवाइयाँ आप इस वक्त देख रहे हैं, ये Ivermectin भी और ये Alba 10+ भी, ये दोनों हमने ओरली यूज़ करवानी है। ठीक है जी, हमने जानवर को पिलानी है। एक तरीक़ाकार ये होगा जी, ये तो पिलानी है, ठीक है, ये तो आप सब लोगों को समझ आ गई, लेकिन ये पिलानी किस तरह है वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह अल्लाह खैर की तो वो सुबह वीडियो जब हम पिला रहे होंगे आपको साथ साथ, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। और प्लस जब मैं पिला चुकूंगा तो नेक्स्ट क्या चीज़ करनी है और कितनी करनी है, किस तरह करनी है, वो भी इंशाल्लाह साथ साथ आपको दिखाऊंगा। वीडियो के साथ साथ देखते रहिए कंप्लीट। अगर ये आप कंप्लीट वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी। और एक रिक्वेस्ट कि अगर अगर तो आप मेरे भाई उस्ताद हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप क्योंकि हमसे ज़्यादा उस्ताद होंगे तो इसलिए ना आपको इसकी समझ आनी है ना आपको इसका फ़ायदा होगा। और अगर आपके दिल में कुछ सीखने की गुंजाइश है और आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ भाई जो कुर्बानी के जानवर तैयार करते हैं उनके लिए, तो सर जी उम्मीद है कि इसका फ़ायदा होगा सबको। दूसरी बात ये कि डॉक्टर नहीं है जी हम, ठीक है, हम अपना शौक करते हैं, शौक के साथ आप सब लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। हमारे एक्सपीरियंस में ये दवाइयाँ बहुत बेहतरीन है अल्लाह के हुक्म से, और ये रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन देती हैं, और ये तरीक़ाकार बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट देता है। हम इस तरीके से करते हैं, आपको बताते हैं जी। अगली वीडियो जो बातें करनी थी वो हो चुकी हैं, अब जानवरों को दवाई पिलाते हैं जी। ठीक है, तो वो देखते हैं किस तरह पिलानी है, और उसके बाद जी जो मज़ीद बातें हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है जी। जी तो जनाब, हम डिवर्मिंग करने के लिए आ गए हैं जी। ये दो दवाइयाँ, ये दो इंजेक्शन में भर लिए, इनके डोजेज भी जो मैं यूज़ करता हूँ वो मैं आपको इंशाल्लाह साइट पे मेंशन कर दूँगा कि ये Albendazole कितनी देनी है और ये Ivermectin कितनी देनी है। ठीक है जी, वो ये आपके सामने मैं इंशाल्लाह आपको बता दूँगा। ये अभी मैं दवाई देने लगा हूँ क्योंकि मैं अकेला हूँ, मैं इसलिए इनको ये मैनेज नहीं कर सकता फ़ोन पकड़ के साथ उनको देने के लिए, तो बारी बारी देने लगा हूँ जी। तो दे के इंशाल्लाह फिर मैं आपको नेक्स्ट जो बात होगी वो बताता हूँ जी। तो हम ये सब जानवरों को अल्हम्दुलिल्लाह दवाई दे चुके हैं जी, इसको भी दे चुके हैं, इसके मुंह पे लगी हुई भी है जी, तकरीबन सबको
दे चुके हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ जी इसकी डोजेज क्या हम रखते हैं। ये आ गया जी आइवरमेक्टन। मैं फिर वही बात बोलूँगा, अगर किसी भाई को हमारी बात समझ आए तो ज़रूर करें, ना समझ आए तो छोड़ दें, ठीक है। लेकिन ये आइवरमेक्टन इन जानवरों को 11 केजी बॉडी वेट के पीछे एक सीसी मैंने ओरली पिलाया है, ठीक है जी। मसलन अब वो सामने ये जो बकरा खड़ा हुआ है, ये वाला ब्राउन वाला, इसका वेट मैंने गिना जी 60 केजी। तो मैंने इसको तकरीबन 5 सीसी आइवरमेक्टन इंजेक्शन, ये वाला, ये 5 सीसी इंजेक्शन पिला दिया, और साथ में ये जी आ गई दूसरी दवाई अल्बेंडाजोल, ठीक है जी। ये मैं देता हूँ जी 5 केजी पर 1 सीसी, ठीक है जी। अगर मैंने इसका वेट 60 केजी गिना तो ये मैंने दिए उसे 12 सीसी, ठीक है जी। और वो मैंने दिया आइवरमेक्टन 5 सीसी। अच्छा जी, ये हो गई एक टाइम की डिवर्मिंग। इसको डिवर्मिंग को हमने करना क्या है जी, एक टाइम अभी कर देनी है। इसके बाद फिर हमने ये भी हमने दिए खाली पेट, खाली पेट देकर 2 घंटे खाने के लिए अब मैंने इनको कुछ भी नहीं देना, ताकि दवाई जो है वो अपना वर्क करे। अच्छा, रात को जब हम इनको खाना वगैरह दे चुकेंगे, जानवर खा पी लेंगे, अपना कह लें कि वो पंजाबी में कहते हैं जदुराज जानेंगे, तो यही डोजें आइवरमेक्टन 11 किलो के पीछे 1 सीसी और ये 5 किलो के पीछे 1 सीसी, यही डोजें मैं रिपीट करूँगा, ठीक है जी। समझे जी बात को, एक दफ़ा सुबह खाली पेट, खाली पेट करने के बाद एक दफ़ा रात को भरे पेट, ये कर देनी है जी डिवर्मिंग। आप लोगों ने डेट नोट कर लेनी है, उसके ठीक 10 दिन गुजरने के बाद सुबह के टाइम ये वाला प्रोसीजर दोबारा रिपीट करना है, सेम टू सेम यही प्रोसीजर, 5 केजी पर 1 सीसी और वो अल्बेंडा जो मैं वो आपको बार बार दिखा रहा हूँ इंजेक्शन मेरा उधर पड़ा हुआ है, ये आइवरमेक्टन जो है 11 किलो के ऊपर 1 सीसी, 11 किलो के ऊपर 1 सीसी सॉरी, और ये 5 किलो के ऊपर 1 सीसी। अच्छा, फिर डेट आपने नोट कर लेनी है और उसके बाद मज़ीद 10 दिन के बाद आपने दोबारा डिवर्मिंग करनी है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने डिवर्मिंग को टोटल 4 दफ़ा करना है, एक दिन सुबह शाम, ठीक है, एक दिन उसके 10 दिन बाद और एक दिन फिर उसके 10 दिन के बाद, ठीक हो गया जी। ये आप समझ गए जी टोटल डिवर्मिंग रिपीट। अच्छा, अब इसमें सवाल ये आ जाता है जी कि यार ये रिपीटिंग क्यों है, बार बार रिपीट क्यों करवाई जाती है दवाई, 10 दिन के बाद क्यों रिपीट करवाई जाती है। वो ये भी आप लोगों ने देख लिया, वो मैं अभी आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट कॉपी के ऊपर, पेपर के ऊपर बताऊंगा कि इसकी दवाई को रिपीट क्यों किया जाता है बार बार 10 दिन के बाद, सुबह शाम भी और आगे भी जाके फिर मज़ीद 10 दिन बाद। तो दवाई दे चुका हूँ जी, मैं अभी आपको आगे बात बताता हूँ जी। लें जी भाई लोग, रात के टाइम हम आ गए छत पे सेकंड टाइम डिवर्मिंग करने के लिए, डे टाइम सुबह आपको करके दिखाइए और लास्ट पार्ट वीडियो को आपको बनाने के लिए मैं आया हूँ जी। आज इनकी डिवर्मिंग, खाना पीना इनको दे चुके हैं, अब इनकी डिवर्मिंग करेंगे जी लास्ट टाइम। कोशिश करूँगा कि आज मैं आपको डिवर्मिंग करते हुए भी दिखाऊँ, ठीक है, कि दवाई पिलानी कैसे है। आपको पिलाते हुए दिखा रहे हैं जी, ये अल्बेंडाजोल है, ठीक है, इस तरह मुंह पकड़े जानवर का, साइड से करेंगे, ठीक है, जितनी आराम से कराएंगे उतना इजी आप लेते हैं। ऐसी बात दवाई है जानवर ने पीछे काम पकड़ने का, कोशिश करूँगा 2-3 जानवर को कराते हुए आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये अल्बेंडाजोल हो गई जी, अभी जी आइवरमेक्टन है जी, बाहर जानवरों को अच्छे से काबू करना पड़ता है जी। ये जी ये अल्बेंडाजोल आई है जी, आपको पिला के दिखाते हैं जानवर को पकड़ के, आप जिसका मर्जी पकड़े, हर बंदे का अपना स्टाइल है जी। मैं इसी तरह पकड़ के बुलाता हूँ सामने से, ठीक है, बाद बंदे साइड से मुंह करके बुलाते हैं, वो मेरे से नहीं खिलाने का जी, मैं अकेला बंदा हूँ तो मैंने इसी तरह खिलाना होगा जी। ये बंदा तो हो गई जी, अभी देंगे जी इसको आइवरमेक्टन, ये जी आइवरमेक्टन। कौन है यार, ऐसा मस्ती है, राम दे पी जा, राम दे, ठीक है यार, राम दे, तू तरह काट रहे मेरा,
जी चीज वगैरह का आपने बोला वो तो कूदे नहीं। जी तो भाई जान, आप लोगों को ये बात बोली थी कि अगली जो बात आपको बताऊंगा वो इंशाल्लाह पेपर पेन के बताऊंगा कि किस वजह से डिवर्मिंग 3 दफ़ा की जाती है और इसका रिज़ल्ट क्या होता है और इसकी वजह क्या होती है। उम्मीद है आप भाई लोग बात को समझेंगे। तो चलते हैं जी बात की तरफ। देखें जी, हमारा जानवर जब डिवर्मिंग नहीं की भी होती उसमें मौजूद क्या क्या चीज़ें होती हैं जी, कीड़े होते हैं जी, फिर उसमें लार्वाज होते हैं, सुंडियाँ होती हैं जिन्होंने आगे बड़ा होके कीड़े बनना होता है, ठीक है जी, और इन्हीं कीड़ों के अंडे होते हैं, ठीक है जी। ये 3 चीज़ें जानवर में मौजूद होती हैं। अच्छा, एक दफ़ा डिवर्मिंग करने से जी होता क्या है, वो होता ये है कि जी हम डिवर्मिंग करते हैं, कीड़े तो मर जाते हैं लेकिन वो दवाई ना लार्वा पे असर करती है ना ही उसके अंडों पे असर करती है। तो दवाई को जैसे ही 15-20 दिन या 10 दिन गुजरते हैं तो ये लार्वा वापस कीड़े बन जाते हैं और कीड़े फिर से अंडे देना शुरू कर देते हैं और जानवरों पे वो दिन ब दिन फिर बढ़ते रहते हैं और डिवर्मिंग अपना असर काबू ही नहीं रखती, वो जानवर पे उसका रिजल्ट देती नहीं। अच्छा, हम क्या करते हैं जी, जिस तरह आज सुबह मैंने आपको पहली दफ़ा डिवर्मिंग करके दिखाई है, मैं भी रात को भी आपको डिवर्मिंग करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह, जानवरों को दवाई पिलाते वक्त भी आपको मैं दिखाऊंगा रात वाली। अच्छा जी, पहली दफ़ा जब डिवर्मिंग करते हैं तो होता क्या है जी, कीड़े जानवर के मर गए जी, जितने भी कीड़े होंगे इंशाल्लाह वो आप डिवर्मिंग करेंगे, दो दवाइयाँ से करेंगे, आइवरमेक्टिन के साथ सब खून चूसने वाले कीड़े जाएंगे और अल्बेंडाजोल के साथ सब जानवर की खुराक को खाने वाले कीड़े जाएंगे, ठीक हो गया जी। दो दवाइयाँ देने का सबसे बड़ा मेन मकसद भी ये है जी। उम्मीद है जी आप लोगों को बात समझ आ रही होगी मेरी। अच्छा जी, पहली दफ़ा डिवर्मिंग की तो इसमें से जानवरों में से कीड़े निकल गए, अब जानवर में बचा क्या जी, लार्वास और अंडे बचे। लार्वे से कीड़ा बनने का अमल ये लेता है जी कम से कम भी 10 दिन, ठीक है, 9 से 10 दिन लगते हैं इस अमल को, 9 से 11 दिन कर लें या 9 से 10 दिन कर लें लार्वे से कीड़ा बनने के अमल को, और अंडे से लार्वा बनने के निकलने के अमल को भी 10 दिन लगते हैं, ठीक है। अब हमने 10 दिन का इंतज़ार करना है जी, 10 दिन का इंतज़ार, जाहिर सी बात है जो ये वाला लार्वा है 10 दिन के बाद जानवर में मौजूद क्या हो गया जी, ये कीड़ा बन चुका होगा, ठीक है, और ये जो अंडे हैं जाहिर सी बात है इन अंडों में से लार्वाज निकल आए होंगे। अब जानवरों में मौजूद क्या चीज़ें हैं जी, जाहिर सी बात है अब 9-8-9 दिन ही हुए, 10 दिन ही हुए होंगे जानवर, इन्होंने भी अंडे तो देने को ही नहीं है, ठीक है, इतनी जल्दी। तो हम 10वें दिन दवाई को फिर दोबारा यूज़ करेंगे, दूसरी दफ़ा डोज देंगे, जब दूसरी दफ़ा डोज देंगे तो जाहिर सी बात है ये जो कीड़े जानवर मौजूद होंगे ये भी ख़त्म हो गए। अब क्या चीज़ बच जाएगी जी जानवर में, सिर्फ और सिर्फ ये लार्वास, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लार्वे से कीड़ा बनने का अमल लेता है ये 10 दिन, ये जी मज़ीद 10 दिन के बाद लार्वे कीड़ों में तब्दील हो जाएंगे। इतनी दिन 10 दिन गुजर चुके, हमारी तीसरी दफ़ा डिवर्मिंग का टाइम आ जाएगा जी। जानवर में इस वक्त मौजूद क्या होगा जी, सिर्फ कीड़े, हम तीसरी दफ़ा डिवर्मिंग करेंगे जानवर की तो वो कीड़े भी ख़त्म। इस तरह आप जानवर में मौजूद कीड़े भी, लार्वास भी और अंडों को भी बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और जानवर हर तरह से कीड़ों से आज़ाद हो जाएगा। ये सारी चीज़ है जी, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। ये हमारी अपनी प्रैक्टिस है, अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 साल से अल्लाह पाक ज़िंदगी दे जी उनको जिन्होंने हमें ये बातें समझाई, ठीक है। तो उनको दुआएं हम आज भी देते हैं जी, वो चाहे जिस मर्जी अल्फाज में हमें याद करें, लेकिन छोड़ें इस बात को जी, आपको ये बता रहे थे कि ये जी बेसिकली हमारी 3 दफ़ा करने की वजह होती है जानवर में से कीड़े भी, लार्वास भी और अंडे भी ख़त्म करने के लिए, जानवर को हर तरह से पाक करने के लिए। ये मेरा जो भाई इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो मेरा भाई ये तरीक़ाकार फॉलो करेगा, ये डोजें बनती हैं जी, टोटल 4 डोज बनती हैं, एक दिन देनी है। मिसाल के तौर पे आज जैसे आप 1 तारीख को देते हैं, 1 कर दें जी, चलें 3रा महीना है तो ये 2022 को आपने देनी है, एक दफ़ा सुबह देनी है जी और एक दफ़ा शाम को देनी है जी। मैं अल्लाह आपका भला करे, वैसे लोग सुबह शाम के कायल नहीं हैं, मैं सुबह शाम देता हूँ, ठीक है जी। एक दफ़ा आपने देनी है जी, फिर 10 को जी 22 को, ठीक है जी, और तीसरी दफ़ा आपने देनी है जी 20
3/22 को, ये बन जाएंगी टोटल जी 4 डोजें। ये एक 1 तारीख को सुबह शाम, फिर अगले दिन 10 दिन बाद, फिर उससे अगले 10 दिन बाद। मैंने आज चूँकि 26 तारीख है, 26 तारीख को किया है, अगली डिवर्मिंग मैं 5 तारीख को करूँगा, उससे अगली डिवर्मिंग मैं 15 तारीख को करूँगा। ठीक है जी, उम्मीद है कि सब भाई समझ चुके होंगे, मैंने तो बहुत डीपली समझाने की कोशिश की है। अगर कोई मेरा भाई इंशाल्लाह इस तरीके से को फॉलो करेगा तो गारंटेड रिजल्ट मिलेगा उसे। और अब अगर करता है वो ये तरीकाकार, उसको फिर ईद तक कोई डिवर्मिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह कम से जानवर जिसने 10 केजी बनाना है वो इंशाल्लाह 15 केजी का रिजल्ट देगा आपको। तो मिलते हैं जी अगली वीडियो में, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। अल्लाह हाफिज़।